तो हम बात कर रहे हैं अपने कोर्स एडवांस एक्सेल विथ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, राइट। तो इसकी डिटेल्स के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको मेरी वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, iptindia.com, राइट। अब देखिए, मेरे पास बेसिकली दो तरह की क्लासेज है। पहली है हमारी लाइव क्लासेज, जो भी आप जूम के थ्रू भी जो हमारे साथ क्लास ले रहे हैं ना, जूम क्लासेस करते हैं इसको, जो हमारे साथ अभी ले रहे हैं, ये क्लासेस होती है और ये वन टू वन टाइप की होती है, एक से तीन पर्सन होते हैं। आपने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि एक से तीन लोग ही हमारे इस बैच में होते हैं। और हर टॉपिक को हम आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं, हम अपनी एग्जाम्पल देते हैं, हम आपकी रिक्वायरमेंट को भी सुनते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देते हैं। इट मीन जैसे कि आपने ऑफिस में गए और ऑफिस में काम कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम आई, तो आप छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसी समय कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो शाम में सुबह में जब इसकी जब अगली क्लास नहीं है तो उस अगली क्लास में, क्लास से पहले क्लास के बाद में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी, मान लीजिए कि मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए आपको मैं पिवट टेबल पढ़ा रहा हूं, तो अगर आपके पास कोई डेटा है जो कि आप पिवट टेबल के थ्रू आप रिपोर्ट बनाते हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर दीजिए, हम अपनी क्लास जो है आप ही की डेटा पे ले लेंगे। ठीक है सर। तो कहने का मतलब है कि पूरी जो है एक प्लाइड क्लास होती है कि आपको सीखना है तो आप अपने तरीके से सीखे, अपने एग्जाम्पल पे सीखे, अपने डेटा पे भी सीखे। जी बिल्कुल सर। एक्चुअली जब सर अभी लास्ट ईयर जब लास्ट मंथ मैं वर्क कर रही थी तो मुझे वहाँ एक्सेल पे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। अब हाँ। क्या होता है, जब वर्ड की फाइल खोलते हैं तो उसमें जो शीट थी उसमें हम पेज इंसर्ट करते हैं और हटा भी सकते हैं, कोटेशन हमारी रहती हैं, तो वहाँ पे ना वो पेज इंसर्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है सिर्फ 5 पेजेस की और मुझे बीच में से कोई पेज हटाना है, तो वो मेरे को हट भी नहीं पा रहा था और डिलीट भी नहीं हो पा रहा था। तो देन मैंने फिर पब्लिशर यूज किया क्योंकि उसपे सेटिंग थोड़ी इजी रहती है। नहीं देखिए, अगर आप एक्सेल जानते हैं तो एक्सेल की सेटिंग भी होती अच्छी होती है। जैसे आप बोल रहे थे कोई पेज हटाना है लाना है, तो सिंपल सा आपको हाइड कर देना है, समझे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई डेटा है, मैं इसी डेटा को ओपन करता हूँ, मेरे पास एक डेटा है और मुझे इसमें से कुछ डेटा नहीं देखना है या प्रिंट नहीं करने हैं या फिर नहीं रखने मैंने देखने, लेकिन क्या है कि आपको परमानेंट नहीं रखने हैं, देन यू कैन डिलीट, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए कि डिलीट नहीं हो रही है या फिर मुझे बाद में नहीं चाहिए तो आप उसको राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए, हाइड हो गया, ये चीजें कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए हम आपको जो है ना टेलीफोनिक सपोर्ट हमने इसलिए रखा हुआ है कि जब प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करें। अब छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, बड़ी प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, उससे कोई उसपे जो वीडियो होगी वो वीडियो आप आपको रिकमेंड कर देंगे कि देखिए इस तरह की टॉपिक मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है, आप देख लीजिए। तो YouTube पे मेरे 5000 से ऊपर वीडियोज है, जी हाँ 5000 के आसपास मेरे वीडियोज यूट्यूब पे अपलोडेड है जो कि आप उसमें देख सकते हैं, सबके लिए फ्री कर रखा है। लेकिन जब आप मेरे साथ लाइव क्लास लेते हैं तो उसके लिए चार्जेबल है और वो हम वन टू वन एक से तीन लोगों के साथ डेली बेसिस पे घंटे डेढ़ घंटे का करते हैं। दूसरा जो आता है हमारे पास वीडियो क्लास आती है, तो आप बोलेंगे सर 5000 वीडियोस तो ऑलरेडी आपने फ्री कर रखा है तो फिर वीडियो क्लास से क्या मतलब है। देखिए जो यूट्यूब पे वीडियोज है वो हमारे सिक्वेंशली नहीं है और सारे टॉपिक की वीडियोज नहीं है। YouTube के ऊपर मैंने प्रमोशनल्स वीडियोज डाले हुए हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स वाले वीडियोज डाले हुए हैं, तो उससे आप जो है छोटे छोटे ट्रिक्स के बारे में जान सकते हैं, अमेजिंग वीडियोज होती है आप जान सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि क्या मैं YouTube में सारी वीडियोज देख के मैं एक्सपर्ट बन जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्सपर्ट बनने के लिए आपको सिक्वेंस की जरूरत पड़ती है कि किस टॉपिक को पहले पढ़े उसके बाद दूसरा टॉपिक कब आएगा। ये चीजें हमारी वीडियो क्लासेस में होती है और वीडियो क्लास को आप मेरे मोबाइल ऐप या फिर मेरे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं लॉगिन करके। मोबाइल ऐप के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके एक्सेल एमआई ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा या फिर किसी भी वीडियो के लिंक पे जाएंगे तो वहां आपको मेरे ऐप का लिंक मिल जाएगा। लेकिन हम बैक टू आते हैं अपने ऑनलाइन कोर्स में, जैसे हमारी बात हुई थी आप हमारे साथ लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। अब लाइव क्लास में जब क्लिक करेंगे तो मेरे पास लाइव क्लास का पोर्टल आ जाएगा
इसमें हम कोर्स बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, इसके बारे में बात कर रहे हैं। सर एक चीज और मैं पूछना चाहती हूँ। पूछिए। हेलो पूछिए सर, वैसे हम हमारी जो कोटेशंस रहती है मोस्टली हमारी वर्ड पे रहती है, वर्ड हमने बना दिया तो उसमें भी हमारा जो हम क्रिएशन कर रहे हैं उसमें ऐड कर रहे हैं पेज और हटा रहे हैं। मैं आपको एक कोटेशन भेजूंगी अपनी। नहीं आप एक मिनट, आप करना क्या चाहते हैं, आप एमएस वर्ड की सीखना चाहते हैं या एक्सेल सीखना चाहते हैं? सर मैं दोनों ही दोनों नहीं कर, दोनों अलग अलग चीजें, एमएस वर्ड लेटर ड्राफ्टिंग के लिए यूज होता है, एक्सेल डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है, दोनों मिक्सअप नहीं हो सकते सर, दोनों का अलग अलग यूज है। अलग अलग है मेरे को पता है सर। वो मेरे को दोनों की कमांड अच्छी चाहिए क्योंकि मेन यूज मेरा यही रहेगा, एक्सेल रहेगा और एमएस वर्ड रहेगा। तो फिलहाल हम एमएस वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? सही, एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल की बात करें, एमएस एक्सेल की बात कर लेते हैं, राइट सर? ठीक है, एमएस एक्सेल अभी एक्सेल ही स्टार्ट है ना। हाँ, तो मेरा जो एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला हमारी कोर्स है, ये एक्सपर्ट लेवल की कोर्स हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, जिसकी ड्यूरेशन 35 से 40 घंटे की पड़ेगी। मंडे टू फ्राइडे आपको एक घंटे के आसपास क्लास मिलेगी और टॉपिक बेसिकली इसमें जो है तकरीबन 15 जो टॉपिक है, 15 जो सेक्शन है, जैसे कि एक्सेल एनवायरमेंट है, उसके बाद ऑल मेनू कमांड है, रिपोर्ट फॉर्मेट्स को डैशबोर्ड है, एनालिसिस पिवट टेबल, एडवांस पिवट टेबल, पावर पिवट टेबल है, डेटा विजुलाइजेशंस है, मोर देन 300 फॉर्मुलेज है, एडवांस फॉर्मुलेज है, एरे फॉर्मुलेज है, डेटा कनेक्टिविटीज है, पावर क्यूरी, एसक्यूएल क्यूरी, डायनेमिक चार्ट। तो इसकी डिटेल्स देखने के लिए आप इसकी पीडीएफ पे जाइएगा तो इसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगी, राइट? और क्लास के दौरान आप डायरेक्ट ट्रेनर से इंटरेक्ट करेंगे। तो ये हमारी जो टॉपिक है एक्सेल एमएस एक्सेल की है। लेकिन जैसे कि अभी भी आप बात कर रहे थे एमएस वर्ड की, तो हम एमएस ऑफिस की क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें हमारा एमएस वर्ड भी आता है। देखिए ये हमारा डिफरेंट कोर्स है क्योंकि जैसे बताया कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल दोनों विपरीत है। एमएस वर्ड में एमएस एक्सेल का काम नहीं कर सकते और एमएस एक्सेल में एमएस वर्ड का काम नहीं कर सकते। ओके, समझ रहे हैं आपको? तो क्योंकि एमएस वर्ड लेटर ड्राफ्टिंग के लिए काम होता है, मतलब ये समझिए ना कि आपके पास जो जो ब्लैंक पेपर का जो काम आप करते थे, जो ब्लैंक पेपर होते थे एप्लीकेशन जो हम लिखते थे, वो काम हम वर्ड में करते हैं। और जो रजिस्टर में काम होता था, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर हो जाती थी, पेमेंट रजिस्टर हो जाती थी, ऐसे जो रजिस्टर होते थे उस रजिस्टर का काम एक्सेल में करते थे। समझ गए? हाँ जी सर। तो अलग अलग कोर्सेज, ये अलग अलग कोर्सेज है, कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर में एडवांस एक्सेल होता क्या है, राइट? क्या एडवांस एक्सेल कोई अलग पैकेज है? क्या एडवांस एक्सेल कोई अलग चीजें है? इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए एक सिंपल से एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। जैसे वहां 20 है तो यहां पे 30 है। अगर मैं 20 को कॉपी करके इसमें पेस्ट किया तो 30 20 से रिप्लेस हो जाता है ना। अब यही भी हमारे पास पेस्ट स्पेशल है। पेस्ट स्पेशल में अगर मैंने यहां पे ऑपरेशन में ऐड क्लिक कर दिया तो 30 और 20 के बीच में एडिशन होगा, रिजल्ट 50 पेस्ट होगा। सर थोड़ा मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा दीजिए, मुझे अक्षर नहीं दिख रहे हैं, वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको सिस्टम में ज्वाइन करने की रिकमेंड किया था। सर अभी वो सिस्टम ना मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी इस पे। तो देखिए सिंपल सा है, अब तो जूम कर सकते हैं ना, फोटो की तरह जूम कर सकते हैं इसको। ओके, तो आप जो है इसको राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में हमारे पास क्या होता है, ऐड होता है, यहां पर लिखा है ऐड। तो इस ऐड पे हमने क्लिक कर लिया तो फिर यहां भी क्या होगा कि रिप्लेस नहीं करेगा, ये 20 और 30 दोनों को प्लस करके 50 यहां पे पेस्ट कर देगा। कर दिया 50। अब ये हो गई बेसिक चीजें। अब इसी टॉपिक को अगर मुझे एडवांस स्कूल में पढ़ाना होगा तो कैसे पढ़ाऊंगा? सबसे पहले हम आपको बताएंगे परसेंटेज के बारे में।
कि मुझे अगर यहाँ पे 20% लिखना होगा तो 20 अभी परसेंट का सैंपल दे तो 20% आ गया, लेकिन अगर मैं 20 लिखा फिर परसेंटेज का सैंपल दिया तो 2000% हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है। इसका मतलब ये है कि मुझे 0.20 लिखना होगा, उसके बाद सेलेक्ट करके परसेंटेज देंगे, मतलब कि टाइप करते थे परसेंटेज का सिंबल लगा दिया तो ठीक है, अगर आपने टाइप बाद में टाइप कर दिया बाद में परसेंटेज लगाना है तो फिर आपको उसको डेसिमल में लिखना पड़ेगा, तब परसेंटेज सिंबल देंगे तो आपको यहां पे 20% दिखेगा। क्लियर है? अब एक प्रॉब्लम हमारे पास होता था कि मेरे पास कुछ नंबर्स है जो कि इन नंबर्स में है बट एक्चुअली में वो परसेंटेज फॉर्मूला है, कुछ रैंडम नंबर ले लेता हूं, ये फॉर्मूला क्या है बड़ा आगे पढ़ाएंगे, फिर इसको इग्नोर कीजिए। तो हमने कुछ नंबर्स लिख दिए, अब प्रॉब्लम है कि ये जो नंबर्स है एक्चुअली में एक्सेल की प्रॉपर्टीज जिसको नंबर समझ रहा है, लेकिन जिसने भेजा है उसके हिसाब से परसेंटेज, मतलब मुझे 500 का अगर 10% निकालना हो, अगर 10% अगर परसेंट सिंबल के साथ है तो हम इजिली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, लेकिन अगर 5% 500 अगर मान लीजिए 10% इन द नंबर में है, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, रिजल्ट हमारा गड़बड़ आ जाएगा, फिर मुझे यहां डिवाइड बाई, मुझे यहां पे डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। अब यही प्रॉब्लम यहां भी आ गई मेरे पास, अब मुझे इस डेटा को जहां यूज करना है, मैं जिस रिपोर्ट में यूज करना है वहां मेरा डिवाइड बाय परसेंटेज की बिहाफ से, तो मैं मुझे यहां पे परसेंटेज कन्वर्ट करके फिर वहां पे पेस्ट करना है, पेस्ट करना पड़ेगा, मतलब मुझे जहां पे यूज करना है उस वहां पे 10% चाहिए। तो मुझे एक एक करके इसमें परसेंटेज का सैंपल लगाना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो यही पे मैं जो है इस मेथड को इस्तेमाल करूंगा जो कि मैंने बताया आपको। हम क्या करेंगे, किसी सेल में 100 टाइप करेंगे और 100 को कॉपी करके पूरे एरिया को पेस्ट सेलेक्ट करके इसके ऊपर हम पेस्ट एज ए डिवाइड कर देंगे। दिख रहा है, पेस्ट स्पेशल या पेस्ट अलग, पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशन हमने डिवाइड सेलेक्ट कर लिया, ऑपरेशन पेस्ट स्पेशल ऑपरेशन डिवाइड, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हर नंबर 100 से डिवाइड होगा, जब ये 100 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा इन द डेसिमल, जो कि मैंने यहां बताया था आपको। अब डेसिमल होने के बाद इस पे जैसे हम परसेंटेज लगाएंगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे एक ही समझने की कोशिश कीजिए कि हमने आपको पढ़ाया जो है वो बताया वही सेम टॉपिक है, अब पहले बार में टॉपिक पढ़ाया तो इसमें आपको इतना मजा नहीं आया, क्योंकि यहां से बताया कि फंक्शन कैसे काम करता है, राइट? तो इसको आप बेसिक एक्सेल कह सकते हैं कि फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन जब मैं इसके एक प्रॉब्लम दिया और इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिए तो मुझे लगता है कि एक तरीका फिर कभी आप भूल पाएंगे और इसमें आपको इंटरेस्ट भी आया। तो मेरी आगे की जितनी भी छोटी बड़ी टॉपिक्स है इसी तरह की एग्जाम्पल बेस्ड टॉपिक होगा कि हम हर फॉर्मूले की को प्रॉब्लम के लिए समझेंगे कि कोई प्रॉब्लम को कैसे ट्रिगर करे इस फॉर्मूले से चाहे इस कमांड से इस मेथड से। क्लियर है? हाँ जी सर। अब क्लासेस जो हमारी होगी आपको मंडे टू फ्राइडे होती है, मंडे टू फ्राइडे, अब मंडे टू फ्राइडे आपको होगी क्लासेस तकरीबन 45 मिनट के आसपास, और 45 मिनट में आपको सब चीजें समझाऊंगा। अब ज्यादा लंबा रहती है कि 45 मिनट की बात करें तो कम से कम इस पे मैं आपको 30 टॉपिक तो पढ़ा ही दूंगा, समझे? अब इस 30 टॉपिक को आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 2 घंटे का टाइम चाहिए,
दो घंटे बताए क्योंकि एक्सेल जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स नीड ऑलवेज प्रैक्टिस, एक कहावत है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना चीजें समझ में आएंगे। सिर्फ क्लास अटेंड करने से आप नहीं समझेंगे, आपको क्या करना होगा, पहले आपको क्लास सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, फिर उसको ऑफिस में इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तीन चीज, तीन स्टेज है, पहले आप सीखें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें, फिर ऑफिस में उसको उपयोग करें। ऑफिस में अगर उसको आपने उपयोग कर लिया, इसका मतलब है इंप्लीमेंट कर लिया, इसका मतलब है कि इन फ्यूचर में कभी इस टॉपिक को आप भूलने वाले नहीं है। सीख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इन फ्यूचर में भूल सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करने के बाद नहीं भूल सकते। ठीक है सर। ठीक है।